राज्य के राष्ट्रवादी पार्टी को आज पूरे 21 साल हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष में नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय परिसर में 22वां वर्धापन दिन मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी के शहर और ग्रामीण के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। राज्य के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1990 में हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आज पूरी 22 वर्ष हो रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 21वां वर्धापन दिन पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर कार्यालय के प्रांगण में 22वां वर्धापन दिन मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रवादी का झंडा फहराकर की गई। 22वें वर्धापन दिन के अवसर पर पार्टी नेताओं ने पार्टी को अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। आने वाले NMC चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने और संगठन मजबूत करने को कहा गया। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। इस समय में BCN की टीम राष्ट्रवादी कांग्रेस के गणेशपेट स्थित कार्यालय में है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का 22वां वर्धापन दिन है। आइए ये वर्धापन दिन किस प्रकार से मनाया जा रहा है और किस प्रकार की पक्ष संगठन को मजबूत किया जाएगा, ये तमाम बातें जानना चाहते हैं माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब। इस समय में हमारे साथ मौजूद है। देशमुख साहब, जिस प्रकार से ये जो वर्धापन दिन मनाया गया, कितना महत्वपूर्ण होता है? ऐसा है कि आदरणीय शरद पवार साहब इनके नेतृत्व में 22 साल पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस ये पहला पक्ष है कि स्थापना होने के तुरंत 3 महीने के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष महाराष्ट्र में सत्ते में आई और तब से राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत नागपुर शहर हो, ग्रामीण हो, विदर्भ हो, महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर भी हो, यहाँ पे बढ़ना चाहिए। उसके लिए सभी जो कार्यकर्ता हमारे ग्रामीण शहर के सभी पदाधिकारी है, सभी लोग इकट्ठा मिल के काम करते हैं। अभी हाल ही में जिला परिषद के चुनाव नागपुर जिले में हुए, उसमें आपने देखा कि राष्ट्रवादी ने को 15 जगह मिली थी, 15 में से 11 राष्ट्रवादी के जिला परिषद सदस्य चुन के आए हैं। उसी प्रकार अभी आगे आने वाला जो महानगर पालिका नागपुर का चुनाव है, उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी से ज़्यादा नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस के नागपुर शहर से चुन के आने के लिए हम पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने हमारे पदाधिकारी, हमारे सहकारी है, सभी लोग जद्दोजहद से इस काम में लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक लाने का हम प्रयास करेंगे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का 22वां वर्धापन के नाते हम सभी ने शपथ ली है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत नागपुर जिले में, विदर्भ में और महाराष्ट्र में बढ़ाने के लिए हम सभी लोग जद्दोजहद से काम में लगेंगे। सर, मनपा का जहाँ चुनाव आता है, क्या किसी के साथ गठबंधन होगा, अलायंस होगा, क्या राष्ट्रवादी अपने बलबूते पर लड़ने वाली है? नहीं, अभी खैर उसको टाइम है, अभी देखेंगे आगे क्या बात बढ़ती है। तो आप थे अनिल देशमुख, जिन्होंने बखबरी बेबक के साथ इस बात को क्लियर तो नहीं कहा है, मगर कहीं ना कहीं अलायंस होगा या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह सा लगा है। लेकिन 22वें वर्धापन दिन के इस अवसर पर पार्टी को मजबूत, संगठन को मजबूत बनाने के ऊपर में ज़्यादा कोशिशें रहेंगी, ऐसा ही कुछ अनिल देशमुख इन्होंने कहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।